चैनल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड गाइज हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो थोड़ा बिजी हैं अपने रेगुलर डेली शेड्यूल्स में, तो अभी हम लोग आए हैं। हाँ बहुत ज़्यादा मिस हो रहे हैं हद से ज़्यादा। फिर आप लोग पूछते हो व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, बट टाइम ही नहीं मिलता, और अगर बन जाता है तो एडिट ही नहीं होता, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बट अभी उनके भी गाइस दो लोग ऐसे बड़े से एडिटिंग करनी है, मेरा एडिटिंग कभी टाइम नहीं। हाँ सो अभी हम दोनों रेडी हुए थे एंड हम लोग जा रहे हैं कमला नगर, क्योंकि दीदी को थोड़े काम थे। फिर मैंने कहा मैं अकेले क्या करूँगी घर, फिर मैं भी चलती हूँ। फिर हमने नोना दी मम्मी को और हमने कहा चलो हम चलते हैं अंशु घर पर, मम्मी और नोना यहाँ पे, और रात को फिर हम सारे साथ में वापस जाएंगे। मम्मी को थोड़ा काम था और हमारे सूट वगैरह स्टिच होने थे, क्योंकि अपकमिंग इवेंट्स हैं काफ़ी सारे और भी काफ़ी सारे काम हैं, तो फिर चाहिए होते हैं कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए 4 से 5 सूट हम दोनों ने अपने दिए। और हम अगर मैं तो गई थी अकेले जाती, मैं तो बस नहाई, फिर मैंने कैप्रिया बोला, मैंने कहा आप 10 मिनट वेट करो, मैं नहाई फटाफट, नोना को रेडी किया, मम्मी को दिया, पैकिंग करी उसकी, और वो मम्मी पापा को देख के अभी इतना खुश हो गई ना, वो मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, और मैं चली गई पापा। और अभी हम लोग जा रहे हैं एचटीबी सैलून, वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। और आज तो हमने नए फोन पर टेम्पर्ड भी चढ़वाऊंगी, कवर भी चढ़वाऊंगी, जो पहले जो पहले चढ़वाया था वो न्यू फोन पे वो टूट भी गया, मम्मी ने गिरा के तोड़ दिया था। बट चले मिलते हैं पहुँच के। अभी ना हम अपने सारे फ़ोनों पर टेम्पर्ड लगवा रहे हैं, क्योंकि ना किसी के फ़ोन पे टेम्पर्ड है ना किसी के फ़ोन पे कवर है, सबके ऐसे ही हो रहे हैं हमारे 16, 14, 15, 13 मतलब। हाँ स्टॉल्स है ये, और मैं बाकी तक तो कवर कर लूँ। यहाँ पे हम लोग करवा रहे थे अपना, मैं सैलून हम लोग आ गए थे, मैंने आपको बताया मैम की रिफिलिंग थी, तो मैं थोड़ा क्लीन अप वगैरह वैक्सिंग वगैरह करवाई थी, और इसी बीच हमें लग गई थी भूख, तो हमने मैगी से कुछ हैं टंकिया गई तो अकेले आती जाती पेरी पे अपने गई चल। तो ये क्या है अपने ओके गाइस, मैं अपना क्लीन अप एंड ऑल और क्या कहते हैं हेयर वॉश में करा के फ्री हो गई थी बस। उसके बाद मुझे ना अपने नेल्स कराने हैं, बिकॉज काफ़ी दिन हुए हैं मैंने नेल्स नहीं कराए हैं, तो मेरा मन था कि मैं नेल्स कराऊँ, बट अभी जिससे मुझे कराने थे वो फ्री नहीं थे, तो मैं अब वो फ्री हूँ, मैं जा रही हूँ अपने नेल्स कराने। एंड प्रेरणा अभी अपना थोड़ा सेशन ले रही है, तो चलें आज मैं मुझे कुछ मिला नहीं था, मैं जल्दी जल्दी में ये पहन के आ गई थी कपड़े, कुछ मैचिंग भी ना करें, और दीदी भी आज सैलून पे नहीं है, बट चलें मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में आप लोगों से, बाय। सो गाइस यहाँ पर मेरे नेल्स का प्रोसेस चल रहा है, मेरी जीन्स का देख, ये आराम से बैठी पड़ी गाइस, ये देखो अमन कर रहा है नेल्स लगा के, ये आना चाहिए वरना। और प्रेरणा करवा रही है सामने, दिख भी रही है प्रेरणा। चले गाइस मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बस, इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। प्रेरणा नेल्स कर रहा हूँ, प्रेरणा मैम के कशिश मैम के ऑपन शेड लिए हैं, फाइन शेड कराएंगे, और देखो अभी कुछ सोच रहे हैं क्या क्या सोच रहे हो, कुछ आर्ट वगैरह कराओगे ना। हाँ और प्रेरणा उधर अपना रिफिलिंग करा रही है, वो वहाँ बैठी है। ओ यो सो गाइस पता है आप लोगों को मुझे ना 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, और मैं इतना फ्रीली बैठी हुई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी सब चीज़ करा के बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मेरे नेल्स भी डन हो चुके हैं, ये देखो मैंने वाइन शेड में दिखाती हूँ आपको, मेरा गाइस मन था कि मैं कुछ वाइन शेड लूँ, तो मैंने ये नेल्स कराए, बहुत प्रिटी लगे हैं मुझे। और प्रेरणा का पता नहीं कब उसकी रिफिलिंग खत्म होगी, कब उसका सब कुछ खत्म होगा, मैं घंटे से यहाँ बैठी हुई परेशान हो रही हूँ गाइस क्या करूँ। और मम्मी पापा नोना नगर कीर्तन में गए हैं गाइस, नानक प्याऊ गुरुद्वारे, अभी मम्मी का कॉल आया था वीडियो कॉल, नोना को दिखाते हुए इतनी खुश हो रखी है, वहाँ पर इंजॉय कर रही है। बट अभी प्रेरणा का फ्री होते ही हम लोग जाएंगे मार्केट घूमने, तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। ओके अभी हम लोग सैलून से फ्री होके दोनों सिस्टर्स आए हैं मार्केट, और कुछ देख रहे हैं इसको, कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, तो अभी हमने क्यों वगैरह देखे, हमें पसंद नहीं आया, तो यहाँ पे जो हमारे एक परमानेंट भैया हैं जिनके कपड़े हमें हमेशा पसंद आते हैं, तो हम जा रहे हैं उनके पास। तो गाइस हम लोग आ गए घर, ऐसा लग रहा है ये ऐसा लग रहा है अभी उखड़ जाएगा एक और शेप मुंह में। और गाइस अब फटाफट से कपड़े चेंज करें, जो काम करेंगे सुबह ना जल्दी उठे थे ऐसे ही चले गए भाई साहब सब। हाँ बिकॉज सुबह तो हमें इवेंट में जाना है। यो 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 प्रिटी प्रिटी नेल्स, फोन भी चार्ज कर लेती हूँ, चार्ज ही नहीं है फोन। एंड गुड मॉर्निंग गाइस, सो हम लोग सो के उठ चुके हैं, एंड आप लोगों को पता हो आज हमारा इवेंट था, मैंने आपको बताया था, तो हम लोग हो चुके हैं इवेंट के लिए रेडी। आज प्रिंट और मैंने सिमिलर सिमिलर सूट पहना है, बहुत सुंदर सा। चलो साइड हो, मैं बताऊं गाइस मैं कैसे।
चलो मिलते हैं। जो अभी इवेंट में आई है, आते इन लोगों की हरकतें देखो आप। यहाँ घुस गए भाई गोलगप्पे खाने, हाथ धोगी। सुनो इवेंट शुरू तो होने दो, चेक तो करे खाना अंदर, बताना होता कैसा है। अच्छा अच्छा दीदी मुंह चला रही हो, इवेंट शुरू तो होने दो जरा। ये ना शुरुआत है हमारी, एंड भी जब तक होएगा खाने पे। हाँ गाइस, क्योंकि ना एंड में ना हम लोग ज्यादा लेट हो जाते हैं, तो इसलिए हम अभी खा के चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है सर, दही भल्ले लो। ओ भैया देखो पाव भाजी की प्लेट लगवा रहे हैं। मेरा वादा है बहुत जल्दी पीके के साथ दिखूंगा। और बताओ मैं दिख लूंगा मेरे गाने में पीके दिखेगा, बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब भी आई बात प्रेरणा भी आई है। तो भाई के लिए कर दोगे पहले, क्योंकि भाई के लिए सर जयश्री की जात में। और यहाँ हमारे यानी कि मेन लीड खुशी वर्मा, प्लीज एवरीवन वी रिक्वेस्ट गिव इट अ हैंड एक बार तालियों। ये देखो ये मतलब इवेंट चल रहा है अंदर, अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे, बाज ही नहीं आ रहे। और भैया ने तो आज एक कमिटमेंट कर लिया है। और गाइस देखो जल्दी चल ले भैया, आए थे डीजे पे और अपनी वीडियोस के लिए आए थे वैसे, बट कभी काफी सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए तो इनके साथ वीडियो शूट करो। सारे अपना खाना खाने सर्कल बनाया प्रेरणा ने। आ गए थे घर काफी देर पहले और बच्चा हमारा सो रहा था, अभी अभी नीनी करके उठा। देखो मैंने बाहर क्या करा। मम्मी तो आपसे बहुत गुस्सा आई है, मुंह ही नहीं सीधा कर रही। क्या बाबा जी का बर्थडे है ना आज, सभी बच्चों को हैप्पी गुरुपुरब और गुरुपूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। दीताओ देखो ना इसे कितने प्यार से दीताओ देखो। अरे वाह खुश हो गई मेरी गुड़िया, जली है टैंडल्स। किसका बर्थडे है? बाबा जी का, वाहगुरु जी का बर्थडे है, गुरु नानक देव जी का। देखो वहाँ भी कैंडल्स जलाई है मैंने, बाहर भी देख के आओ, बाहर कितनी चुंदर चुंदर जलाई है मैंने। दे दोगे? हाँ दिखाती हूँ। आज ही मम्मी से गुस्सा हो रखी है पता नहीं किस बात पे। मेरा बेटा हैप्पी हो जाएगा, है ना? देखो, हाँ। आप तो भी जलानी है, आप द्वारे में भी जला के आए हो ना, गुरुद्वारे में भी, है ना? मेरी चुकड़ो चलो मैं भी जलाता हूँ। चलें गाइस मैं एक बार चेंज वगैरह कर लूँ फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैंने तो कर लिया अपने कपड़े चेंज वगैरह एंड फेस भी क्लीन करके आई हूँ, इतना ग्लो कर रहा है। ओह कल मैंने क्लीन अप करवाया था। हाँ और नोनू और मैं जा रहे हैं बाहर। नोनी नोनी वेट नोनी कम ऑन लेट्स गो। हाँ मैं नोनू को लेके जा रही हूँ नीचे, हमारी सोसाइटी में न्यू झूले लगे हैं तो मैं बच्चा झूलने जा रहा हूँ। नोनू आप एक बार अपने ठंड के कपड़े दिखा दो। अरे वाले तो चले चलते हैं फिर मिलेंगे बाहर। मैं नीचे लाई हूँ तो मेरे को कह रही है मासी मैं वहाँ से ना आपके लिए फूल लेके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है लेके आओ। ओ भाई साहब थैंक यू मी जान थैंक यू, इतना प्यारा बच्चा, सबको देखो कितना प्यारा है मेरा बच्चा। गाइस मुझे बैठ के फूल दिया और वो भी टूट गया। ऊपर भी है गुड्डू? हाँ। कोई बात नहीं चॉकलेट जल्दी खा के खत्म करो नोनू। यहाँ फूल नहीं है बेटू, यहाँ लीव्स है लीव्स। नोनू क्या कहते हैं जल्दी चॉकलेट खा के खत्म करो।
हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सब भी काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस, ये मेरा 3 दिन से ब्लॉग है जो कंटिन्यू हो रहा है, एंड आज हम आए हुए हैं प्रेरणा के शूट पे। तो मैं प्रेरणा के साथ आई थी उसके शूट पे, और अभी बस थोड़ी बहुत देर में इनका शूट स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका न्यू सॉन्ग की एक लॉन्चिंग है मैडम जी, जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है, तो उसी के सॉन्ग का शूट है आज मैम का। तो अभी बस थोड़ी तैयारियाँ वगैरह चल रही है, तो उसके वेट में हम बैठे हुए हैं। और मेरा दिख वो मैंने फ़ोन की ब्राइटनेस कम कर रखी है, एंड मैं यहाँ पे कब से बैठ के अपना फ़ोन चला रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि जो मैं 3 दिन से ब्लॉग बना रही हूँ। गाइस पता है क्या, नवंबर के मंथ में यार इतने ब्लॉग मिस हुए हैं जिसका कोई कहने का मतलब भी नहीं है। पूरा नवंबर हमने इवेंट अटेंड करे हैं, तो डेली इवेंट के भी क्या ब्लॉग बनाए हमें वो भी समझ जाता, घर रहते ही नहीं जो घर पर कुछ शूट कर पाए। तो अभी तो मुझे नहीं पता, बट कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग सून लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग भी चैनल में प्यार बनाए रखो, सपोर्ट करते रहा करो। जल्दी से गाइस कितने 250 के में भी क्रॉस हो गए, 3 लाख होने वाले हैं, मज़ा आएगा। तो चले मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी बहुत देर में, मींस न्यू ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ यहीं पे। और प्रेरणा और मैं आए हुए हैं, और अभी हमारे घर पर आदित्य ब्रो भी आए हुए हैं बहुत सारे दिन के लिए रहने के लिए। और नोना सुबह सो रही थी मम्मी से मिल के, मम्मी उठ गई थी, मम्मी से मिल के हम लोग आ गए सुबह मस्ती करके खूब सारी। तो चले मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग में। आप लोग इन्जॉय करें ये वाला ब्लॉग, लाइक शेयर कमेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आप लोगों के कमेंट्स मोस्टली ये आते रहते हैं कि दी ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों मिस हो रहे हैं। तो मिस होने का रीज़न यही है गाइस कि थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, कुछ कॉन्टेंट समझ नहीं आता, कुछ इवेंट्स में बिजी रहते हैं तो टाइम नहीं निकाल पाते, एंड मैंने अपना न्यू नेल भी ख़राब कर लिया चबा चबा के। बट कोई बात नहीं, चले बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।